नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा के ग्राम कोटपाल गणेश में दो पोलिंग बूथ पर सुबह से मतदान नहीं हो रहा था, जिसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी रिटर्निंग अधिकारी ग्राम कोटपाल पहुंचे और घर जाकर ग्रामीणों से एक अपील की और मतदान करने को प्रोत्साहित भी किया। बीजेपी के पूर्व विधायक रामकिशन पटेल का ये गृह ग्राम भी है। आपको बता दें कि ग्रामीण रामकिशन पटेल को बीजेपी से टिकट ना मिलने से नाराज थे, जिसके चलते मतदान नहीं हो रहा था। साथ ही आपको बता दें कि वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे एसपी विकास कुमार की समझाने के बाद में ग्रामीणों ने मतदान प्रारंभ कर दिया। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि जो लोग किसी कारण से यहाँ पे मताधिकार के लिए नहीं आ रहे हैं तो उनको भी मोटिवेट कीजिए। और बड़ी मुश्किल से अधिकार मिला है वोट डालने का, तो उसका उपयोग करिए। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पहली बार वोट डालने का अवसर मिला है, तो वो लोग भी आके वोट डालें और लोकतंत्र को मजबूत करने में भागीदार बने। जैसे सर आपने घर घर जाकर अपील की है कि जैसे कोई पार्टी को नहीं चुनना चाहता तो नोटा का, देखिए वो जो आयोग के निर्देश है उसमें जो भी कैंडिडेट है उसके साथ नोटा भी ऑप्शन है। लोग आए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, पर अच्छी बात यह होती है कि किसी भी एक कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, किसी भी एक कैंडिडेट के पक्ष में करें। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक 76% से ज्यादा वोटिंग हुई है और इसी कड़ी में छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शहपुर में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार भी किया गया, जिसको लेकर गांव शहपुरा के मतदान केंद्र में शाम 5 बजे तक एक भी वोट नहीं डाला गया। साथ ही आपको बता दें कि शहपुरा गांव के मतदान केंद्र में 1063 मतदाता हैं और हैरत की बात तो यह है कि एक भी मतदाता मतदान केंद्र में वोट डालने नहीं गया। साथ ही आपको बता दें कि शहपुरा गांव कांग्रेस के नेता बंटी पटेल का गांव है और बंटी पटेल ने कांग्रेस से 84 टिकट मांगा था और कांग्रेस का टिकट मिलने पर निर्दलीय मैदान में है। उनके मैदान में उपस्थिति ने कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के उम्मीदवारों को संकट में डाल दिया है और बताया जा रहा है कि पूरा गांव अब ना तो कांग्रेस को वोट देना चाहता है और न ही बीजेपी को, या घोषित रूप से चुनाव को बहिष्कार किया है। जो नहीं हुआ बाकी मतदान मंडल करवाए गए, उस समय दो एजेंट उपस्थित हुए, 6:45 से 7 बजे तक रहे वो लोग और पीटी की सीलिंग वगैरह हुई सीयू की और उसके बाद में वो लोग चले गए। उनको भी कहा गया कि मत छेदो करके, तो उन लोगों ने भी वोट नहीं दिया। मतदान नहीं होने का कारण क्या है? अब वो उनने कारण नहीं बता पाया था। और उनको आग्रह किया गया एजेंटों को भी कि आप वोटिंग कर दीजिए, बोले हमारा मित्र। अच्छा, अधिकारियों द्वारा कोई प्रयास किया गया यहाँ से मतदान कराने? तहसीलदार साहब आए थे एक डेढ़ घंटे उपस्थित घूमे 50-60 घर, तो कोई सफलता हाथ नहीं लगी, तो यहीं पर उन्होंने बैठ के पंचनामा बनवाए और उधर से लेके आए। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले के चारों विधानसभा में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। चारों विधानसभा में मतदाताओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ में मतदान किया। मतदान में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने महिलाओं और वरिष्ठजनों और युवाओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। साथ ही आपको बताते चलें कि जिले के चारों विधानसभा में कुल 83.09% मतदान हुआ है, जिसमें 84.60% पुरुष हैं और 81.47% महिलाओं ने मतदान किया है। सिवनी मालवा विधानसभा में 84.36% और होशंगाबाद में 76.39%, सुहागपुर में 86.70% और पिपरिया विधानसभा में 84.36% मतदान हुआ। साथ ही आपको बता दें कि चारों विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कुल 83.09% ये मतदान रहा। साथ ही आपको बता दें कि लगातार लोगों ने जो है, चाहे वरिष्ठ हो, युवा हो या फिर कोई भी हो,
जिन्होंने मतदान किया हुआ है उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और काफी उत्साह भी देखने को मिला। चारों विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया गया, कुल 83.09% रहा। शांतिपूर्ण ढंग से ये जो मतदान हुए वो संपन्न भी हो चुके हैं। चारों विधानसभा में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया गया और मतदान का कुल प्रतिशत 83.09% रहा। जावरा विधानसभा के ग्राम सिमलिया पहाड़ी पर स्थित अन्नपूर्णा धाम माताजी के मंदिर पर संत 2 सालों से एक ही आसन में बैठकर यज्ञ की आहुति दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 1008 महामंडलेश्वर संत मधुसूदन महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मतदान सबका अधिकार है, लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सबको मिलकर मतदान करना चाहिए और साथ ही नए राष्ट्र की कल्पना को लेकर मतदान हुआ है, नए कानून बनेंगे, सत्य की जय होगी और साथ ही कहा कि सत्य की विजय होगी, धर्म की जय होगी। आज लोकतंत्र का ये महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में देश प्रदेश की जनता राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र के नए कानून का भी निर्माण करती है और आज जो लोकतंत्र के इस महापर्व पर मैंने सन्यासी होने के नाते मतदान किया है, ये राष्ट्र निर्माण की एक विचारधारा और नए राष्ट्र की कल्पना को लेकर के ये मतदान हुआ है और निश्चित प्रदेश की जनता सत्य के साथ है, सत्य की जय होगी, सत्य की विजय होगी, धर्म की जय होगी। इसी आशा के साथ में नए लोकतंत्र का गठन हो और अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छी सरकार, नए नियम, नए कानून का निर्माण करे, सनातन की जय हो। हरसूद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विजय शाह ने 17 नवंबर को जोगी बेड़ा पंचायत के मतदान केंद्र में मतदान किया। वहीं खंडवा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कुंदन मालवी ने पूजा अर्चना कर खंडवा के बूथ क्रमांक 144 पर अपने मत का प्रयोग कर जीत का दावा किया है। प्रजातंत्र का महापर्व और उसमें 8वीं बार मुझे मौका मिला पार्टी से, पार्टी के प्रति धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतदाताओं की डिमांड पर बबलू भाई हाथ नीचे करो यार। और भारतीय जनता पार्टी ने 8वीं बार मुझे इस काबिल समझा और भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि 176 हरसूद से मुझे बनाया। हिंदुस्तान में मैं अकेला आदिवासी नेता हूंगा जो लगातार 7 चुनाव जीत के 8वां चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि यहां की जनता का राजनीति के माध्यम से सेवा करने का मुझे मौका मिला। आज का मतदान न केवल खंडवा में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल बदलाव के लिए हो रहा हूं। जिधर जा रहे हैं उधर एक ही बात सुनाई दे रही है, एक ही आवाज आ रही है, आज का मतदान बदलाव के लिए। मध्य प्रदेश में 18 साल की भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश को और खंडवा को बर्बाद किया है उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता और खंडवा की जनता जो है परेशान होकर आज कांग्रेस के साथ खड़ी है और सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस को मतदान कर रही है। मैं खंडवा के सम्मानीय मतदाताओं को चरण छू कर निवेदन करना चाहता हूँ, तमाम माता बहनों से विशेषकर निवेदन करना चाहता हूँ, ये खंडवा जो कलंकित हुआ, ये मध्य प्रदेश जो कलंकित हुआ है, इसको अपने सुरक्षित भविष्य के लिए आइए और खुलकर जी भरकर मतदान कीजिए, कांग्रेस के पक्ष में मतदान कीजिए। आपका छोटा आपका बेटा आपका भाई आपके निवेदन करता है कि अधिक से अधिक मतदान करें कांग्रेस के पक्ष में। मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न होने के बाद में सभी मतदान दल सामग्री जमा स्थल संभागी और साथ ही आईटीआई नर्मदापुरम में सौंपी गई है। साथ ही आपको बता दें कि
सामग्री जमा स्थल पर प्रशासन ने सभी माकूल प्रबंध भी किए गए थे। सभी विधानसभाओं के लिए अलग अलग सेक्शन भी बनाए गए थे। साथ ही आपको बता दें कि इन सेक्शन में बनाए गए काउंटर पर पहुंचकर मतदान दल व्यवस्थित रूप से अपनी सामग्री जमा कर दिए गए और इस दौरान जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं और ये तस्वीरें नर्मदापुरम की हैं जहां पर चुनाव की सामग्री को सौंपा गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जमा स्थल पर माकूल जो है वो प्रबंध किया गया। मध्य प्रदेश में मतदान जो है वो संपन्न भी हो चुके हैं, जिसके बाद में चुनाव की जो सामग्री थी, जो भी सामग्री थी उसको सौंप दिया गया है और जमा स्थल पर माकूल प्रबंध भी किए गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न होने के बाद की हैं, जहां पर चुनाव की सामग्री को सौंपा जा रहा है और साथ ही जमा स्थल पर कई माकूल जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं। खबर भिंड से है जहां पर मेहगांव विधानसभा के मानहाड़ गांव में ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव करना शुरू कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पथराव में शामिल थे। साथ ही आपको बता दें कि तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी भी फोड़ी गई और ये पूरी घटना बीजेपी कार्यकर्ता राकेश शुक्ला पथराव की वजह से घायल भी हो गए और गोरमी थाना हादसे की शिकायत भी दर्ज कराई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव किया गया, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया है और ये पथराव ग्रामीणों ने किया हुआ है। ये पूरा मामला भिंड का है। भिंड के महगांव मानहाड़ गांव में फिर गोली चली है, जहां पर आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के समर्थकों में गोलीबारी में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल युवक ने कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया पर गोली, साथ ही आपको बता दें कि गाली देने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया और उनके समर्थक हार की बौखलाहट से उधम कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि महगांव विधानसभा के अंतर्गत मानहड़ गांव से भी ये दूसरी घटना है, जिसमें पहले बीजेपी प्रत्याशी पर हमला किया गया और फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गोली भी चलाई गई। आपको बता दें कि लगातार भिंड में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और गोलीबारी में एक शख्स भी घायल हो गया है और बीजेपी प्रत्याशी पर पहले जो है हमला किया गया था और साथ ही अब आम आदमी पार्टी के कांग्रेस में भी जो है गोलीबारी की गई। आप और कांग्रेस में गोलीबारी की घटना भी सामने आई। गोलीबारी में एक शख्स जो है वो घायल हो चुका है। अपराधियों के हौसले जो है वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां पर अपराधी खुलेआम घटना को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। माखननगर सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी प्रत्याशी विजयपाल सिंह राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय माखननगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है और बीजेपी प्रत्याशी विजयपाल राजपूत ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पराज पटेल और उनके कार्यकर्ता आए दिन 8 दिनों से हर गाड़ी की तलाशी एवं क्षेत्र की जनता को परेशान भी कर रहे हैं। साथ ही कहा कि आज मेरे परिवार वाले भी एवं बीजेपी कार्यकर्ता चाय पी रहे थे, तभी पुष्पराज पटेल और उनके कार्यकर्ता चाय की दुकान पर आते हैं और कहने लगे कि
आप 5 के बाद में इस क्षेत्र में नहीं आओगे। इसको लेकर विवाद भी हो रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माखन नगर स्थित बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की और गाड़ियों के कांच भी फोड़े हैं। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी महोदय से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव प्रेम से लड़िए, जनता से प्रेम से आशीर्वाद पाइए। निरंतर आज 8 दिन हो गए हैं, कोई भी नागरिक, कोई भी मतदाता कहीं से निकलता है उसकी गाड़ी को रोका जाता है, इवन महिला तक की गाड़ी को रोका गया है, उनकी गाड़ियों की चेकिंग की गई है। क्या कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये अधिकार है कि किसी की गाड़ी को रोक कर जांच करेंगे, किसी गाड़ी को रोक कर उन पर गाली गलौज करेंगे, उनको डराने का धमकाने का काम करेंगे? आज ही मेरे परिवार के कुछ सदस्य लोग वहां पर चाय पी रहे थे, चाय पीते में उनकी गाड़ी वहां पर रोकी गई, वहां रोक कर उनको मारपीट करने की कोशिश की गई। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मीडिया के लोग, आपके मीडिया के लोग अगर वहां ना पहुंचते तो शायद वह ये मारपीट यहां की अपेक्षा वही मारपीट हो जाती। देवास जिले की बागली विधानसभा में सतवास क्षेत्र के बड़ौदावासी मतदान केंद्र पर मतदान का बहिष्कार किया और साथ ही आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कचरा नहीं हटाने से नाराज चल रहे थे और नाराज मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार भी किया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं देवास की, जहां पर बड़ौदा निवासियों ने जो है मतदान का बहिष्कार किया और साथ ही पोस्टर बैनर लेकर भी खड़े हुए और कचरा नहीं हटाने से मतदाता जो है काफी नाराज भी नजर आए, अनदेखी करने का भी आरोप लगाया और लिखा हुआ था कि कचरा हटेगा वोट डलेगा। उन्होंने कहा कि कचरा जब हटाया जाएगा तभी हम वोट डालेंगे, मतदान करेंगे, कचरा नहीं हटाने से मतदान जो है वो नहीं किया गया, मतदाता काफी नाराज चल रहे थे। साथ ही उन्होंने अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि कचरा हटेगा तभी वोट डलेगा, कचरा नहीं हटाने से मतदान नहीं हो पाया, जिसमें कचरा अनदेखी करने का भी आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि लगातार गंदगी जो है वो फैली रहती है, जिससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं और साथ ही बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से हम लोगों से भी लगातार अपील कर रहे थे कि यहां का कचरा हटाया जाए, जो कि नहीं हटाया गया। इसके बाद में हमने भी मतदान नहीं किया, बड़ौदा वासियों ने मतदान का बहिष्कार किया है, कचरा नहीं हटाने से काफी नाराज चल रहे थे। खंडवा विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी कंचन मुकेश तनवे ने लोकतंत्र के इस त्यौहार में अपने मत का प्रयोग किया है और वहीं मतदान करने से पहले घर में पूजा अर्चना की और उसके बाद में दादाजी धाम पहुंचकर बड़े दादाजी छोटे दादाजी के चरणों में नमन भी किया। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश की सुख समृद्धि खुशहाली के साथ में अपनी जीत के लिए भी धुनी माई में आहुति भी पेश की है। नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभा में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह निरंतर मतदान केंद्रों में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। नर्मदापुरम में मतदान केंद्रों में लगातार मतदाताओं की भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि सभी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिए और वहीं बुजुर्ग भी मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और मतदान केंद्रों में भीड़ भी देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि हर किसी में उत्साह नजर आ रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला पुरुष, जो भी हैं सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं और
मतदान करने को लेकर काफी उत्सुक भी नजर आए। सभी ने अपना वोट भी डालने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर एक बुजुर्ग ने मतदान किया है। लोकतंत्र के महापर्व पर हर किसी के अंदर जोश भी देखने को मिल रहा। मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है और आप पीछे भी देख सकते हैं कि मतदान केंद्र पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया जहां पर लोगों ने तस्वीरें भी खिंचवाई। लोकतंत्र के महापर्व पर हर किसी में जोश देखने को मिल रहा। हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। साथ ही बुजुर्ग ने भी मतदान किया है। ये तस्वीरें नर्मदापुरम की हैं जहां पर लोकतंत्र के महापर्व पर हर किसी में जोश देखने को मिला। वर्तमान बीजेपी विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव को पृथ्वीपुर में पोलिंग बूथ के अंदर जाने से रोका गया, जिसके चलते विधायक ने नाराजगी भी जाहिर की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं निवाड़ी की हैं जहां पर विधायक नाराज हो गए हैं क्योंकि बूथ में जाने से उन्हें रोक दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आज मतदान का दिवस है, मुद्दा का कोई विषय नहीं है। आज तो जनता फैसला ले चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो जनहितैषी कार्य किए हैं, विकास विषय कार्य किए हैं और हितग्राहीमूलक काम किए, उनसे जनता खुश है और अपनी खुशी के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है। अब मुद्दों का कोई विषय नहीं रह गया है। आज तो विषय मुद्दे सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पक्ष में मतदान है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरा निवेदन है कि आपकी जो सेवा आपका प्रतिनिधि होने के नाते मैंने की है, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने की है और माननीय मोदी ने आपकी जो सेवा की है उस सेवा के आधार पर आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। एक तरफ जहां पर लोकतंत्र के महापर्व में सरकार और प्रशासन लोगों को भाग लेने का संदेश दे रही, वहीं दूसरी तरफ करैरा विधानसभा क्षेत्र के नरवर तहसील के ग्राम केरुआ में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि मतदान के लिए केरुआ में दो केंद्रों में केंद्र जो है वो बनाए गए थे। क्रमांक 25 पर डाले या फिर दो वोट, क्रमांक 26 पर 11 वोट डाले गए। बाकी गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि दो मतदान केंद्र बनाने से लोग जो हैं वो काफी नाराज थे और लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर सिर्फ 5 लोगों ने मतदान किया हुआ है। वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जो है फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।